रतलाम में जय आदिवासी युवा संगठन के नेता एवं जीवन पथ शिक्षा फाउंडेशन के एमडी 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी कमलेश्वर डोंडियार को रतलाम जिला पुलिस द्वारा बंसावाड़ा डूंगरपुर के बीच छापीवाड़ा जंगलों में गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलेश्वर डोंडियार दुष्कर्म के आरोप में काफी समय से फरार था तथा पुलिस के द्वारा उस पर 3,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। सलाना थाना प्रभारी आयुब खान ने बताया कि सूत्रों से इनपुट मिल रहा था कि कमलेश्वर डूंगरपुर के छापीवाड़ा जंगल में छुपा हुआ है, जिसके पश्चात पुलिस की एक टीम के द्वारा सैलाना थाना प्रभारी आयुब खान के नेतृत्व में 6 दिनों तक इसकी तलाश करी जा रही थी तथा कल रात को इससे डूंगरपुर बंसावाड़ा के बीच घने जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलेश्वर वहां से भी अपना सामान लेकर फरार होने की तैयारी में था। हालांकि कमलेश्वर के द्वारा डूंगरपुर थाने में सरेंडर करना बताया जा रहा है, जिसका रतलाम पुलिस के द्वारा खंडन किया गया है। कमलेश्वर डोंडियार पर 26 वर्षीय युवती ने 4 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था तथा महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात पुलिस ने धारा 164 में युवती के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। उसी के पश्चात से कमलेश्वर डोंडियार फरार चल रहा था। उनकी तलाश में पुलिस कई जगह दबिश भी दे चुकी थी, परंतु नाकामयाबी हाथ लगी थी। जीतूंगा, चुनाव भी जीतूंगा, अंदर रहूंगा जेल के अंदर तो भी चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा बहुत ज्यादा वोटों से। केस इस केस में कितनी सच्चाई है आपके है? इस केस में कितनी सच्चाई है? ये पूरा पॉलिटिकल है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ सगाई की बात हुई थी, रिश्ता टूटा है, किसी प्रकार का कोई रेप का तो है ही नहीं, सारा पॉलिटिकल। कमलेश्वर इसको गिरफ्तार किया, क्या मामला था और कहां से पकड़ा है? ये महिला थाना पर 21 नवंबर का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा इनको शादी का झांसा देकर इनके साथ 2-3 साल से शारीरिक संबंध बनाए और उनको उसने जो है इस तरीके से अपराध किया है, जिस पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अपराध के तत्काल बाद में ये इनकी जो गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए कमलेश्वर को, तो ये फरार रहा और फरारी के दौरान इन्होंने अपना राजस्थान और मध्य प्रदेश तमाम जगह हमने टीमें बना के लगा रखी थी। इसी बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन पे 3,000 का इनाम भी घोषित किया था। उस दौरान हमारी टीमें जो हैं लगी हुई थी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि ये कहीं लोगों के साथ में है और ये भागने की तैयारी में, उसी दौरान पुलिस के द्वारा दबिश देकर इनको पकड़ा गया है और पकड़कर पूछताछ के बाद जब सारी चीज़ें स्पष्ट हुई तो गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करके उनका पुलिस रिमांड लेके और उसका आगे की जो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य होंगे वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। ये राजनीतिक रसूखदार भी है, कोई इलेक्शन भी लड़ चुके हैं? हाँ, यह बात सामने आई है कि पूर्व विधानसभा का चुनाव भी इसके द्वारा लड़ा गया है और ये रसूख जो है इसी के आधार पर जो महिला थी उनका कहना था कि ये अपना रसूख दिखाकर जो है इसने मेरे साथ में इस तरीके के संबंध बनाए और ये सारी चीज़ें की हैं, तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बात स्थापित है कि जो भोली भाली जनता है वो इन बातों में आती हैं और इस तरीके की चीज़ों में इनके द्वारा प्रयास कर किए जाते हैं। हाँ, पूर्व में इनके खिलाफ रासुका का अपराध करके इनको रासुका में इनको बंद करके न्यायालय जेल भेजा गया था। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट।